नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर ले आए या एक रुपए का चीज, जीवन चुटकियों में बदल जाएगा। रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, सारी गरीबी क्षण में खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस बात को आप बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत करना। कि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस धनतेरस के त्यौहार में सभी ग्रहों की स्थिति बहुत ही प्रबल स्थिति में है। और दोस्तों, जो भी भक्त यशमय या एक रुपए की चीज़ को अपने घर ले आता है, वह अपने घर अपने किस्मत की चाबी को ले आएगा, जिन्हें खोलने से उनके भाग्य का ताला खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह एक रुपए का चीज़ इस धनतेरस के समय में आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने वाले साबित होंगे। इसलिए दोस्तों, हमारा आप सभी से बस यही निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों, धनतेरस के समय माँ लक्ष्मी का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। और जो भी ऐसे में अपने जीवन काल में माँ लक्ष्मी के इन बातों को याद रखता है, दोस्तों उनके जीवन काल में कभी भी धन की समस्याएँ नहीं आती, धन से जुड़े सभी प्रकार के कष्ट खत्म हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के जीवन काल में धन से ही हर चीज़ मिल रही है। और दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कितना भी बड़े गुणवान, कितना भी बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो, दोस्तों जगह पर आपको लोग नहीं पूछेंगे। दोस्तों, इस युग में धन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में धन है तो आप अपने जीवन काल की सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि धन से जुड़े जो भी कार्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा धोखा देखने को मिलता है। दोस्तों, और आपके भी जीवनकाल में पिछले समय से ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं आपका धन ऐसा अटका है कि आप बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब वह धन की समस्याएँ आपकी समाप्त होने वाली है। अब धन से जुड़े सभी प्रकार के कष्ट आपके खत्म होने वाले हैं। बशर्ते दोस्तों, इस धनतेरस के दिन आप भूल कर भी कुछ गलतियां ना करें और यह एक रुपए का चीज़ अपने घर जरूर ले आए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे प्रेम भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में आपके सारे कष्ट मानने से पहले ही माँ लक्ष्मी खत्म कर देंगी। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि अब आपको अपने जीवन काल में धन से जुड़ी कौन सी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको बता दें कि दोस्तों, धन आज के युग में जब सर्वप्रिय है तो दोस्तों इसी में धन को आपको व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धन का संचय सही जगह पर सोच समझकर ही करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी गुणी व्यक्ति एक रुपए की चीज़ को सही जगह पर उपयोग कर लेता है, वो अपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बन जाता है। और एक रुपए की चीज़ को ही गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देता है, गलत जगह पर उपयोग कर देता है, तो दोस्तों उनका जीवन काल धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज से अपने जीवन काल में आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि जहाँ भी आप पेशे का उपयोग कर रहे हैं, एक बार जरूर उनमें सोचिएगा कि क्या यह पेशा जिनमें आप उपयोग कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या फिर गलत है। कि दोस्तों, अगर आप धन का संचय करते हैं, धन को अगर संभाल कर रखते हैं, तो दोस्तों इनसे माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहती है। और दोस्तों, दूसरा जो चीज़ है, अपने जीवन काल में आप हमेशा शांति बनाए रखिएगा। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जब भी घर में कोई चीज़ होता है तो दोस्तों हल्ला गुल्ला होना निश्चित होता है। खासकर दोस्तों शाम के समय में आप अपने घर में कभी भी हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वह है अपनों से बड़ों की सेवा और आदर सम्मान करना। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अपने घर में अपने घर के बड़े बुजुर्गों को हमेशा भगवान रूपी मानिएगा। दोस्तों, माता पिता भगवान से कम नहीं, बड़े बुजुर्ग भगवान से कम नहीं, साफ साफ गीता में लिखा है। और जो भी यह बात को समझ लेता है, उनके जीवनकाल में कभी उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, समस्याएं उनके जीवनकाल में आती नहीं, क्योंकि वह जानता है कि कौन से समय में कौन से कार्य करना है। दोस्तों, अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे, अगर आप खुद पर यकीन करेंगे कि भगवान आपके साथ है, तो दोस्तों यकीन मानिए भगवान आपके साथ रहेगा।
अगर आप हमेशा कहेंगे कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारी नहीं सुनती है, भगवान हमें इतने सारे दुख देते हैं, तो दोस्तों जो भी सुख होगा उनमें भी आप सुखी नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको यह बात याद रखना है कि अपनों से बड़े को सम्मान करना है और ईश्वर पर विश्वास करना है, तो उनकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। उनके जीवनकाल में दुख सुख जो भी आते हैं वो हमारे लिए होते हैं। जी दोस्तों, इसलिए आपको अपने जीवनकाल में इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों धनतेरस का समय है, तो दोस्तों इसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें घर में लाने से माँ लक्ष्मी का वास बनता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सदैव धन से परिपूर्ण अपने भक्तों को रखती है। तो दोस्तों इसी में इस धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ है जिन्हें अपने घर लाना चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस दिन सोने चांदी और घर के बर्तनों की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन की गई खरीदारी आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। इस दिन किए गए खरीदारी में साक्षात माँ लक्ष्मी साथ आती है। सबसे पहला जो चीज़ है वह है पीतल के बर्तन। जी दोस्तों आप शुभ को बता दें कि सभी भक्त अपने जीवन काल में सोने चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते, वो लोग आज के दिन धनतेरस के दिन पीतल के कोई भी बर्तन खरीद लें और उसमें कुछ मीठा या फिर चावल के दाने डालकर घर ले आए। दोस्तों धनतेरस पर किसी चीज़ से भरा हुआ पीतल का बर्तन लाना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे एक मान्यता छुपी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धनतेरी का, तब वो अपने दो बाएं हाथों में से एक में अमृत से भरा हुआ पीतल का कलश लिए हुए थे और बाकी हाथों में शंख चक्र और औषधि विद्यमान था। लिहाजा इस दिन पीतल का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों पीतल का बर्तन जितना आप सक्षम है उतना ही खरीद सकते हैं, बड़ा भी खरीद सकते हैं, छोटा भी खरीद सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो चीज़ है वह है झाड़ू। दोस्तों झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू को घर में लाने से स्वयं माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। झाड़ू से हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और घर की सारी नकारात्मकता दूर करते हैं। यही कारण है कि झाड़ू का महत्व बेहद ही खास माना जाता है। तो दोस्तों इस धनतेरस के दिन आप एक झाड़ू अवश्य खरीदें। दोस्तों इसके उपरांत अगला जो चीज़ है वह है अक्षत। धनतेरस के दिन अक्षत यानी चावल को भी घर लाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्न में चावल यानी अक्षत को सबसे शुभ माना जाता है। अक्षत का मतलब है धन सम्पत्ति में अनंत वृद्धि। इसलिए धनतेरस के दिन अक्षत लाने से आपके धन में वृद्धि होगा। दोस्तों एक रुपए का भी आप अक्षत ला सकते हैं, इनसे धन की कभी कमी आपके जीवनकाल में नहीं होने वाली है। जी दोस्तों अगला जो चीज़ है वह है धनिया। दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसमें से कुछ दाने गमले में भी बो देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसको बोने पर अगर धनिया के पौधे निकलते हैं तो पूरी साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। जी हाँ दोस्तों आप शुरू को बता दें कि धनतेरस का समय 22 अक्टूबर के शाम 6:02 से होगी और समापन 23 अक्टूबर को शाम 6:03 होगा। दोस्तों 23 अक्टूबर को शाम 6:04 से चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। 24 अक्टूबर तक शाम 5:28 रहेगा। और दोस्तों 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है और हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर को धनतेरस मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। साथ दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।